एक हॉन्टेड हॉस्पिटल का कहानी। यह कहानी है एक अजीब और डरावने अस्पताल की, जहां रात के समय अजीब घटनाएं होने लगी थी। उस अस्पताल की इमारत से बरसात के बाद विचित्र सी आवाजें आने लगी थी, जो स्वस्थ मनोबल वाले भी घबरा जाते थे। रात के पहरे के समय अस्पताल के कर्मचारी भी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। वहां की वातावरण में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कि आसपास कुछ छुपा हुआ हो। एक रात नर्स अनीता ने अपनी ड्यूटी के दौरान अस्पताल के एक अंत में सुनसान कमरे की ओर बढ़ा। वहां पहुंचते ही उसने वहां कुछ अजीब सुना खटखटाहट और विचारशील शब्द, जैसे कि कोई बहरा रो रहा हो। उसने धीरे धीरे दरवाजा खोला और वहां कुछ देखा जो उसकी रूह को कांप उठी। एक अस्पताल कोट में ढके हुए एक रोगी बिल्कुल अकेला नहीं था, बल्कि उसके साथ एक अजीब रूप वाला चिकित्सक भी था। अनिता ने पूछा, डॉक्टर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और ये रोगी? डॉक्टर ने अजीब हंसी के साथ कहा, यह रोगी हमारे साथी बन गया है, नर्स अनिता। हम इसके दिल से बातें कर रहे हैं। अनिता ने विचार किया कि कुछ स्पष्ट नहीं है, और उसने अस्पताल के अधिकारियों को सूचित किया। परंतु जब उन्होंने उस कमरे में पुनः पहुंचा, तो वहां केवल रोगी ही था, कोई डॉक्टर नहीं। इसके बाद से अस्पताल के कर्मचारी और रोगियों ने कई अजीब घटनाओं का सामना किया। रात के समय वहां सुनसान कमरों से अजीब आवाजें आने लगी, सिर्फ कुछ देशीय बोलचाल और रोगियों के अजीब रूप में बदल जाना। एक रात एक नर्स ने अस्पताल के एक बंद कमरे की तरफ ध्यान दिया और उसने देखा कि वहां की बल्कि थोड़ी ही रोंगटे बढ़ी हैं। वह उस कमरे की तरफ बढ़ी और देखा कि कमरा खुला हुआ है, लेकिन कोई नहीं था। अस्पताल के कर्मचारी और रोगी दोनों डर के माहौल में जीने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस अजीब